यूं तो यूपी की जेलों पर हमेशा से ही अपराधियों की सुरक्षित पनाहगार यहां पर माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में सामने आए मामलों ने यूपी की जेलों की पोल खोल कर रखती है। हाल में जेल से वायरल हुए वीडियो को अगर हम देखें तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि ये जेल है या फिर जन्नत। तो आपको बता दें कि यूपी की जेलों में जेल कर्मियों और अधिकारियों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। जेल से कैदियों की फरारी का दंश झेल रही इटावा जेल से कैदियों का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कैदी झुंड बनाकर जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सब वीडियो में एक पुलिसकर्मी जुआ खेल रहे कैदियों से पैसे वसूलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मामला मीडिया में आने के बाद भी जिलाधिकारी जेल में सब कुछ ठीक होने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इटावा जेल सुर्खियों में आया हो। हाल में ही अभी जेल से दो कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए थे, जिसे लेकर जेल प्रशासन की खासी किरकिरी हुई थी। तो इसमें सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब सुधरेंगी जेलें। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहां पर कैदी जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैदी जेल से भागे थे, उसके बाद हमने और एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया था और ये पाया था कि लापरवाही जेल प्रशासन के स्तर से हुई है, जिसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर भेज दी गई है। अच्छा, जेल में कुछ ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि अंदर कैंटीनें चल रही हैं, जुआ भी खेला जाता है, इसकी जांच कैसे करेंगे? नहीं, फिलहाल हर महीने हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जेल में नहीं पाई गई। लेकिन जहाँ तक जेल प्रशासन की बात है तो उनके स्तर से लापरवाही बरती गई, साथ ही कुछ वहाँ सीसीटीवी कैमरे पीछे के काफी दिन से खराब पाए गए, जिसके कारण घटना घटी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, यहाँ पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जहां पर एक जन्नत में नजर आए हैं ये कैदी, ऐसा क्यों है कि पुलिस की तरफ से कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? जेलों में ऐसी तमाम वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं, उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये जिला जेल जो है इटावा की जिला जेल, इसीलिए बदनामी का दंश झेल रही है। अभी चार दिन पहले ही जो है यहाँ से दो कैदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और जेल प्रशासन को चैलेंज देते हुए यहाँ से फरार हो गए थे, उसके बाद जो है जेल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर चार लोगों पर उनको निलंबित करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन बड़े अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी थे उनको रियायत दे दी गई थी और उनको वक्त दिया गया था। उसके चार दिन बाद ही एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कैदी जो है धुआं खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक पुलिसकर्मी जो है वो उन कैदियों से पैसा वसूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब जेल अधीक्षक या इटावा के जिला अधिकारी से इस मामले में बात की जाती है तो वो जो है पूरा इस मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं, उनकी नजर में जेल में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को वो साथ साथ झुटलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी रोहित, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी रिश्वत लेता हुआ मांगता हुआ नजर आया था, क्या उस पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये वीडियो जो नेशनल वॉइस पे लोग देख रहे हैं, ये वीडियो नेशनल वॉइस के द्वारा लोगों के सामने लाया जा रहा है। अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जेल के अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी जो इटावा के डीएम हैं वो उन इस बात से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो वीडियो का मामला संज्ञान में लाने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस तरीके का कोई वीडियो जो है वायरल हुआ है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। और वहीं मऊ जेल से कैदियों की मौज मस्ती का वीडियो वायरल होने के बाद जेल मुख्यालय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जेल मुख्यालय ने डीआईजी जेल को मामले की जांच सौंप दी है। इसके बाद अब डीआईजी जेल
श्रीपर्णी गांगुली मामले की जांच करेंगी। साथ ही मुख्यालय ने उनको मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि मऊ जेल से वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रकाश में आया था और आपको बता दें कि डीआईजी श्रीपर्णा गांगुली को सौंपी गई है। और अब बता दें आपको कि रिपोर्ट आने के बाद जेल अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर डीआईजी श्रीपर्णा गांगुली को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि मऊ से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, मौज मस्ती करते हुए नजर आए थे। और इस पूरे मामले की जांच श्रीपर्णा गांगुली को दे दी गई है। आपको बता दें कि मऊ जेल से भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कैदियों के हाथों में मोबाइल साफ तौर पर देखे गए थे, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच डीआईजी श्रीपर्णा गांगुली को सौंप दी गई है। और रिपोर्ट आने के बाद जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गा सिंह किंकर हमारे साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गा, यहां पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि आखिर लगातार जेल में इस तरह की वारदातें होती है और लगातार टीवी चैनल और मीडिया अपना दायित्व तो समझ के इन बड़ी खबरों को दिखाता रहता, बावजूद इसके जेल कर्मियों की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती हुई नहीं दिखती है और कहीं ना कहीं से। और ये जो बड़ा वायरल वीडियो हुआ है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मिलीभगत है जेल प्रशासन की, डिप्टी जेलर की भी और जेल अधीक्षक की भी, और कैदियों ने अपने अब खुद कहा है कि इस तरह से जो है जेल के अंदर मिलीभगत होती है और पूरी सामान पैसों के बदले मुहैया कराया था। तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया था और कल कहा गया था उनके द्वारा कि 24 घंटे में वो कमेटी जांच रिपोर्ट हमें सौंपेगी। अब हालांकि चूंकि जेल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई का मामला है, तो निश्चित रूप से ये जो रिपोर्ट है वो जिले के अधिकारियों के द्वारा शासन स्तर को मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें बड़े सच के उजागर होने के बाद भी क्या शासन स्तर पे कार्रवाई कब तक होती है, ये बड़ा सवाल है। जी, जैसा कि इस पूरे मामले की जांच श्रीपर्णा गांगुली को दी गई है, आपको क्या लगता है कब तक ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस जांच रिपोर्ट में सामने आ सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जेल में जो बंद कैदी हैं उनके बारे में भी वीडियो से फुटेज थे, पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उनके ऊपर निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी है पुलिस की वो होगी कि जिन लोगों ने मोबाइल जिन लोगों के पास था और जो ऐसो आराम का सामान इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहली बात यह, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके तक जो सामान पहुंचते रहे लगातार, उनको नशे की चीजें और बाकी खाने पीने की चीजें और ऐसो आराम की चीजें जो लगातार मुहैया होती रही है, उसके पीछे जो जिम्मेदार जेल प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से जेलर और डिप्टी जेलर और जेल अधीक्षक, इन दोनों लोगों पे बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। और बाकी निश्चित रूप से जो गेट से बंदी रक्षक होते हैं, जो सघन तलाशी लेने के बाद जो बंदी होते हैं उनके परिजनों को उनसे मुलाकात की जी, तो देखने वाली बात होगी कि कब ये रिपोर्ट सामने आती है और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इस रिपोर्ट के बाद निपटते हैं। और आइए बताते हैं आपको कि ये पूरा मामला क्या था। ये यूपी की 5-स्टार जेल है, इसे जेल कहें या जन्नत, यहां कैदी सजा काटते नहीं मौज काटते हैं। इस जेल में है अय्याशी के सारे इंतजाम, यहां गांजे से लेकर हेरोइन भी मिलती है, यहां चलता है पैसे का खेल। उन्नाव की जिला जेल से आई वो तस्वीरें जिनमें दो कैदी जेल को अपना कार्यालय बता रहे थे, वो तस्वीरें आपकी जहन से उतरे। इससे पहले हम आपको मऊ जेल से आई कुछ क्रांतिकारी तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं।
जिन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भैया ये जेल है या फिर जन्नत। यूपी का मऊ जिला कारागार। मऊ जिला कारागार का वीडियो वायरल। इस जेल में मिलती हैं सारी सुविधाएं। यहां पर नशे से लेकर मोबाइल तक मिलता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जेल की खाने की व्यवस्था। कहने को तो जेल प्रशासन कैदियों को खाने की उत्तम व्यवस्था देता है। खाना इतना उत्तम कि यकीन मानिए कि किसी जानवर के सामने भी खाना रखा जाए तो वो अपना मुंह फेर लेगा। कैदियों की माने तो ऐसा खाना उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि वो जेलर साहब की अपनी प्राइवेट कैंटीन से खाना खरीद कर खाएं। इसके लिए बाकायदा जेलर साहब ने खाने का रेट भी तय कर रखा है। जी हाँ, जेल में ही जेलर साहब की अपनी प्राइवेट कैंटीन है। इसमें चार पूरी और सब्जी का रेट तय किया गया है 20 रुपए। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस रेट का खुलासा खुद जेल में आए इस वीडियो ने किया है। वीआईपी कैदियों के लिए स्पेशल व्यवस्था। खाना बनवाने की सुविधा भी मिलती है यहाँ पर। जेल प्रशासन मुहैया कराता है हीटर। भाई अगर जेल है तो कैदी तो होंगे ही, और उनमें कुछ वीआईपी कैदी भी होंगे जिन्हें जेल की रोटी पसंद नहीं आती होगी। अब इसका तोड़ निकाला जेल प्रशासन ने। इसके लिए जेल प्रशासन ने इन्हें वीआईपी व्यवस्था देते हुए हीटर मुहैया कराया है। भैया आप तो वीआईपी ठहरे, जेल का खाना पसंद आएगा नहीं, तो भैया महीने का 1000 रुपया दो और खुद बनाओ और सबको खिलाओ। नशेड़ियों के लिए जेल में खास इंतजाम। हर तरह का नशा मिलता है यहां। गांजे से लेकर हेरोइन तक की है सप्लाई। नशा सप्लाई का भी रेट है फिक्स। जरा इन तस्वीरों को देखिए। मऊ जिला जेल में दिन के उजाले में भी दीपक जल रहा है। जी हाँ, दिन के उजाले में, लेकिन रोशनी के लिए नहीं बल्कि अपनी चिलम सुलगाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में चिलम का क्या काम। भाई अब जेल है, कैदी हैं, तो इनमें कुछ नशेड़ी भी होंगे, तो जेल प्रशासन भला इनका ख्याल रखने में पीछे कैसे रह सकता है। इन नशेड़ियों के लिए भी जेल में खास इंतजाम है। यकीन नहीं होता तो देखिए, इस जेल में नशे की सप्लाई से लेकर पैकिंग तक के इंतजाम है। गांजा पीते हो तो गांजा मिलेगा और हीरोइन पीते हो तो हीरोइन। अब सैया भय जेलर तो डर काहे का। पैसे दीजिए, जेलर और सुपरिटेंडेंट साहब खुद ही आपको हर सुविधा दिलाएंगे। मोबाइल का जमाना है, जेल में मोबाइल होना है जरूरी। जेल प्रशासन यहां मोबाइल भी देता है। कीमत चुकाइए, मोबाइल चलाइए। जमाना टेक्नोलॉजी का है तो सबके पास मोबाइल होना भी जरूरी है। इसी स्लोगन पर चलकर मऊ जिला जेल के अधिकारियों ने जेल के कैदियों को मोबाइल भी दे रखे हैं ताकि वो अपने घर परिवार से बातचीत कर उनका हालचाल ले सकें। वो अलग बात है कि ये छटे हुए बदमाश घर वालों से बात करते हैं या जेल में ही बैठकर अपना नेक्सस चलाते हैं। वैसे इस बात का जेलर साहब से क्या लेना देना, भाई उनके पास तो पैसे समय से पहुंच रहे हैं। अब कोई रंगदारी मांगे या किसी का हाल जाने, मेरी बला से। अधिकारियों को नहीं है मामले की जानकारी। फिर मिला गोलमोल जवाब। आखिर कौन तय करेगा जिम्मेदारी? वहीं इस पूरे मामले पर जब जिले के कप्तान साहब से बात की गई तो उनका वही रटा रटाया गोलमोल जवाब सामने आया कि जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया के माध्यम से आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है जो तथाकथित कहा जा रहा है कि जो उसमें वीडियो बनाने वाला है उसका कहना है कि मऊ जेल का वीडियो है। सोशल ग्रुप्स के माध्यम से मेरे द्वारा उस वीडियो को देखा गया, संज्ञान लिया गया। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 10 दिनों में जिला जेल में 2 बार मेरे द्वारा और जिलाधिकारी दोनों के द्वारा 2 बार छापा मारा गया है। कल ही छापा मारा गया था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। मोबाइल फ़ोन्स, चार्जर बरामद हुए हैं, बर्तन बरामद हुए हैं खाना बनाने के, और 3 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा पंजीकृत करा के कार्रवाई भी की गई है।
यूपी के जेलों से लगातार वायरल हो रहे वीडियो ने कहीं ना कहीं जेल की व्यवस्था और इंतजाम पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार ऐसे मामलों का कब संज्ञान लेती है और कब ऐसी घटनाएं रुकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उन्नाव जेल के बाद हम आपको दिखाते हैं उन्नाव जेल की तस्वीरें, जहां जेल में बंद कुछ कैदियों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ अपराधी यूपी की जेलों को अपना कार्यालय बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस ऐतिहासिक इमारत को सरकारी पोथी पत्रा में जेल घोषित कर रखा है, लेकिन ये गजब के कलाकारों कलमकारों का अड्डा है। मतलब यही है वो जगह जहां से मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और हसरत मोहानी के कलामों के कलम करने वालों की खेप निकलने वाली। जवाने में दम नहीं कि मिटा सके हम तो, जवाना खुद हम से है, जवाने से हम नहीं। अरे वाह वाह कीजिए, करनी पड़ेगी वाह वाह। सरकारी खजाने में छिपे ये वो नायाब नमूने हैं जिन्हें उन्नाव के जेल अफसरान ने बड़ी मशक्कत से तराशा है। दरअसल सबसे पहले शायर बाबू का परिचय आपसे करवा देते हैं। दरअसल इनका नाम है अंकुर। ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने के एवज में सरकारी कारिंदों ने इन्हें सलाखों के पीछे का परिंदा बना दिया। लेकिन सरकारी आशीर्वाद देखिए, जेल के बरामदे को ससुराल का आंगन समझकर गजब का कैटवॉक हो रहा है। उचित कदम ताल के साथ लचीली कमरिया से नजर हट गई हो तो देखिए हाथों में पिस्टल थाम रखिए और उसके बाद सरकार की छाती पर चढ़कर कानून को कुचलने का ऐलान कर रहा है। नाम है अमरीश भटीपुरा। इन्होंने योगी सरकार ने मुझे भेजा था दंडित करने के लिए, पता कहाँ? उन्नाव जेल में। उन्नाव जेल में जो है यो ये देखिए जेल का तो पहले हमारी बात सुन। ये योगी सरकार हमारा ना मेरठ जेल में कुछ बिगाड़ पड़ी पाई थी और जो है हमारा उन्नाव जेल बिगाड़ पाओगी और हमें कहीं प्रदेश की कहीं किसी जेल में भेज देगी ना, प्रदेश की जेलों को कार्यालय बना देगी। जेल ना हुआ कंपनी गार्डन हो गया। जेल के बरामदे में घूम घूम कर सरकारी कारिंदों के आगे सरकार के इकबाल को कुचलने का ऐलान करने वाले मौज काट रहे। अपने अंदर पल रहे मिर्जा गालिब को बाहर निकालने के बाद अय्याशी का इंतजाम किया गया है। मतलब कि जेल के भीतर खाने में मिलने वाली चीजों के सारे भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया। रोटी जली अधजली और दाल पानी ठोक कर, यही पता था हमें। लेकिन जेल की चौखट से लेकर दीवार पर टंगे खाकी के पहलवानों की वजह से लजीज खाने का बंदोबस्त किया गया है। और हो भी क्यों ना, दामाद के स्वागत का सवाल है और स्वागत तो करना पड़ेगा और वो भी कमला पसंद से। मतलब जमकर खाओ रोटी पनीर, बाद में खाओ जमकर खीर, फिर कमला पसंद का आनंद उठाओ। अरे वाह, जेल का ही नाम रख दिया इसका। लेकिन ये सरकारी दामाद थोड़ा अलग किस्म का है। बिना रंगीन नीर के न पनीर खाए न खीर खाए। तो पहले जमकर शराब का आनंद उठाया गया, दूर से आए रिश्तेदारों की खातिरदारी से हड़कंप मच गया तो खाकी वाले चचा सामने आए और गजब का ज्ञान पुराण सुनाया है। उनको सुन लीजिए क्योंकि सरकारी पुराण अभी बाकी है। नन्ना सिंह साहेब, काहे की कार्रवाई? ये पूछिए खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? पता चला कि अंकुर और देवेंद्र नाराज हो जाए। आप ध्यान रखिए उनका, समाज सेवा करने के एवज में ही तो आपकी जेल में उनका अवतरण हुआ है। और ऐसे ज्ञानी ऐसे ध्यानी कहां आते हैं बार बार धरा पर। वो तो नसीब अच्छा है आपका कि आपको उनकी खातिरदारी करने का मौका मिला है।
उन्नाव जेल के बड़े वाले बाबू तो बाबू लखनऊ में बैठकर सूबे की जेलों की जिम्मेदारी संभाल रहे, योगी सरकार के वजीर का ज्ञान का प्रसाद भी आप बटोर लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल सरकार के बनने के बाद जितनी घटनाएं हुई होंगी उसमें देखा होगा, जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया है उस पर हम लोगों ने सख्त से सख्त कार्रवाई किया है। लगातार पुनरावृत्ति इन तरह की घटनाओं की ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ज्वाइंट टीम बना करके भी जेलों में निरीक्षण करना, सब जगह करना। मंत्री जी, उन्नाव की जेल में कोई धर्मार्थ कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है जिस पर आप सत्यनारायण की कथा सुनाए जा रहे हैं? जेल के भीतर पिस्टल लहराई गई है, जेल के भीतर लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया गया है, जेल के भीतर शराब कट की गई है, जेल के भीतर वीडियो बनाकर सूबे के हाकिम को चुनौती दी गई है, जेल के भीतर टुच्चों से गुंडों ने सरकार, पुलिस, कानून सबके इकबाल को बारी बारी रौंदा है, और आप लखनऊ में सरकारी पद पर आसीन होने से मिले बंगले में बैठ कर कार्रवाई का भजन बांच रहे हैं। मुबारक हो आपको आपकी ये कार्य प्रणाली, जहाँ जेल कैदियों के लिए कंपनी गार्डन है। उन्नाव से नेशनल वॉइस के लिए मयंक शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।